ए आकाशवाणी जलंधर। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला खास खबरां। आरबीआई ने स्थिति ज्यों दी त्यों बरकरार रखते हैं। रेपो दर विच बिना कोई तब्दीली की इस नूं 6.5% ही बरकरार रखी है। इसने माली साल 2023-24 लई जीडीपी वाधा दर पेशीन कोई भी 6.5% ते बरकरार रखी है। सरकार का कहना है कि मुढ़लिया खेतीबाड़ी कर्जा सोसायटियां नूं पीएम किसान समृद्धि केंद्रां दे घेरे हेठ लियांदा जाएगा। भारत ने ओडिशा के साहिल तो परा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की सफल परख की। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरला साहिल ते पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अजे इस माली साल लई अपनी दूजी तिमाही नीति का ऐलान किया है। उम्मीद मुताबक इस ने मुख दरां विच कोई तब्दीली न करदिआं स्थिति ज्यों दी त्यों बरकरार रखी है। नीति जायजे का ऐलान करते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि माली नीति कमेटी ने नीतिगत रेपो दर या जिस दर से बैंक कर्जा देंदी है विच कोई तब्दीली न करदे इसन 6.5% से ही रखण और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25% से नाल ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.25% से ही और बैंक दरां नूं भी 6.75% से ही रखा है। एमपीसी ने 6 चो 5 मैंबरां दे बहुमत नाल यह फैसला भी किया है कि उदारवादी रवैये नूं वापस लिया जाए ताजो महंगाई दर वाधे नूं हमायत दिंदिआं टीचे नाल उसारू तौर ते तालमेल वाली रहे। आरबीआई दे गवर्नर ने कहा कि भारत दी खपतकार कीमतां दी महंगाई दर मार्च तों अप्रैल 2023 दौरान घटी है। आरबीआई ने माली साल 2023-24 लई जीडीपी वाधा दर पेशीन कोई भी 6.5% ते बरकरार रखी है। आरबीआई दे गवर्नर ने ऐलान भी किया कि बैंक हुण विदेशां दा सफर कर रहे भारतीयां लई रूपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी कर सकदे ने। उन्होंने कहा कि नागरिका ने 2000 रूपये के बंद किए जा रहे करंसी नोटा का लगभग 50% जमा करा दिता है ज नोट बदल लए ने। उन्होंने यह भी कहा कि इत्थे 3,62,000 करोड़ रूपये के 2000 रूपये के नोट चलण विच ने। इना विचों 1,80,000 करोड़ रूपये लोगों ने जमा करवा दिते ने जा बदल लए ने। उन्होंने कहा कि बैंकों विच नोट जमा करवाउण जां बदलाउण वालियां दी कोई भीड़ नहीं देखी जा रही है पर उन्होंने नागरिकां नूं अपील की है कि वह 2000 रूपये के नोट बदलाउण लई आखिरी तरीक का इंतजार न करन। सरकार ने कहा है कि मुढ़लिया खेतीबाड़ी कर्जा सोसायटी पीएसीएस नूं प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रां दे घेरे हेठ लियांदा जाएगा। पूरे देश विच मौजूदा समय कोई 1,00,000 मुढ़लिया खेतीबाड़ी कर्जा सहकारी सोसायटियां ने। सहकारिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सहकार से समृद्धि नजरिए नूं पूरा करने लई 5 अहम फैसले लए ने। मंत्रालय ने कहा है कि पीएसीएस नूं जैविक खादा दे मंडीकरण नाल जोड़िया जाएगा। खाके दे आधार ते पीएसीएस जो कि परचून खादा वजों काम नहीं कर रहियां ने दी शनाख्त कीती जाएगी अते पड़ावार तरीके नाल उन्हां दी कार्यकुशलता नूं वधाया जाएगा। यह फैसले अज नवी दिल्ली विच रसायण अते खादा बारे मंत्री मनसुख मांडविया नाल केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह दी मीटिंग दौरान लए गए ने। यह फैसले मुढ़लिया खेतीबाड़ी कर्जा सोसायटीज दी आमदन नूं वधाउणगे अते नाल ही देहाती इलाके विच रोजगार दे मौके भी पैदा करनगे। किसान स्थानक पद्धर ते खादां कीटनाशक बीज अते खेतीबाड़ी मशीनरी हासिल करन दे भी योग होणगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अते सर्बिया दे राष्ट्रपति शिवोचिच ने अज बेलग्रेड विखे डेलीगेशन पद्धर दी गल्लबात कीती। दोहां राष्ट्रपतियां ने बाद विच गल्लबात दे नतीजियां बारे मीडिया नूं जानकारी दित्ती। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि गैर मिलवर्तन लहर तों ही भारत ने ते सर्बिया दे रिश्ते विलखण रहे ने। दोहां देशां दे रिश्ते आपसी विश्वास आपसी समझ ते सहयोग ते आधारित ने। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दे कतल दे जश्न मनाए जाण ते कैनेडा दी नुक्ताचीनी कीती है। अज नवी दिल्ली विच मीडिया नाल गल्लबात करदिआं डॉ जयशंकर ने कहा कि वक्खवादियां अतवादियां ते हिंसा दे पैरोकार लोकां नूं कैनेडा च थां दित्ता जाणा भारत नाल इस संबंधां लई चंगा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि एक कैनेडा लई भी चंगा नहीं है। कोई 700 भारतीय विद्यार्थियों जो कि कैनेडा सरकार द्वारा अगले हफ्ते भारत वापस भेजे जाने के खदशे का सामना कर रहे हैं दी किस्मत बारे पत्रकारों के सवालों के जवाब में डॉ जयशंकर ने कहा कि विद्यार्थियों को अजिही सजा देना कैनेडा के अधिकारियों वालों किसी भी तरह उचित नहीं है जिन्होंने अपनी सिक्ख्या चंगे भरोसे नाल हासिल की है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय और कैनेडा विच भारतीय हाई कमिशन ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि जे इन्हां विद्यार्थियों ने कुछ भी गलत नहीं किया तो भारत सरकार इस मुद्दे का हल लभण लई कैनेडा सरकार से दबाव पाने की कोशिश करेगी।
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि विश्व अज भारत नूं एक विकास भाईवाल वजो देख रहा है ते भारत विकास कथा नूं नुहार देण दी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व अज भारत दी सुनदा है ते इस आजाद आवास विच भरोसा रखता है। केन्द्र विखे मोदी सरकार दे 9 साल पूरे होने ते मीडिया नूं जानकारी दिंदियां उन्होंने कहा कि भारत दी विदेश नीति वधेरे तालमेल वड्डी मौजूदगी नवे सिद्धांत ते हाल दे सालां विच मजबूत डिलीवरी नूं दर्शाउंदी है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारतीय सफारती गतिविधियां ने देश नूं वधेरे सुरक्षित ते आर्थिक तौर ते मजबूत बनाया। उन्होंने कहा कि भारत उत्तरी सरहदां ते चीनी कार्रवाईयां दा मुकाबला कर रहा है ते पाकिस्तान तों सरहद पार दहशतगर्दी नाल भी नजिठ रहा है ते सुरक्षा वधाई गई है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने आज मेगा पब्लिक आउटरीच अभियान संपर्क से समर्थन तहत नवी दिल्ली विखे काबुल तो बेघर होके आए लोगों को मिले तो उन्होंने हाल चाल पूछा। उन्होंने यह भी जानने की कोशिश की कि हुण वह अगे की करना चाहते हैं तो भारत सरकार इस विच उन्हां दी की मदद कर सकती है। मीडिया नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि भारत सरकार बेघर लोगों के नाल है तो उन्हां दी बेहतरी लई कई कदम चुके जाणगे। यह खबरां तुसी आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे हो। नवी पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम की रक्षा खोज से विकास संस्था डीआरडीओ वालों सफल परख की गई है। इस मिसाइल नीति शाम ओडिशा के साहिल तो पर डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टापू तो दागया गया। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस परख दौरान सारे टीचे सफल रहे। रक्षा मंत्री ने सफल परख लिए डीआरडीओ और हथियारबंद फौजा को बधाई दी है। सरकार ने हुण तक पूरे देश में औरतों की सुरक्षा लिए 733 वन स्टॉप सेंटर कायम किए ने। इसने 300 होर अजिहे केन्द्रां लई बजट नूं भी मंजूरी दित्ती है। वन स्टॉप सेंटर हिंसा नाल प्रभावित जां परेशानियां दा सामना कर रही औरतां नूं पुलिस सहूलत डॉक्टरी सहायता कानूनी मदद सलाह अते आरजी आसरा देण लई एक छत हेठ बहुत सारियां संगठित सेवावां मुहैया कर रहे ने। इह गल बीजेपी दे सीनियर नेता ते केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अज नरेन्द्र मोदी सरकार दे 9 साल पूरे होण दे मौके ते नवी दिल्ली विच बीजेपी सदर मुकाम विखे पत्रकारां नूं संबोधन करदिआं कही। पंजाब दे राजपाल अते चंडीगढ़ दे प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि पाकिस्तान साडे नाल सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता, इस करके ही नशे राही लुकवीं जंग लड़ रहा है। सूबे दे सरहदी पिंडां दे दौरे दे अज दूजे दिन अमृतसर स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विखे एक प्रेस कांफ्रेंस नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि ड्रोन की समस्या बहुत वड्डी है ते इस वल कार्रवाई भी हो रही है पर यह काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि नशियां दे इस मुद्दे ते ओ केंद्र सरकार नाल लगातार संपर्क विच ने ते इस बारे असीं जरूर प्राप्ति हासिल करांगे। राजपाल पुरोहित ने कहा कि भारत विच नशे ने हथियार भेजण विच पाकिस्तान दी सरकार दा हाथ है ते इस नाल साडे बच्चे नशे दे आदी बन रहे ने। उन्होंने कहा कि सरकार सरहदी खेतर विच सीसीटीवी कैमरे लगाउण नूं पहल देवे क्यों जो ए देश दी सुरक्षा नाल जुड़िया मामला है। केन्द्र सरकार ने सौणी दीआं फसलां दे घट्टो घट समर्थन मुल विच वादा कीता है। झोने की कीमत विच 143 रूपये फी क्विंटल का वादा किया गया। पिछले साल के मुल 2040 रूपये प्रति क्विंटल नूं वधा के 2183 रूपये फी क्विंटल किया गया। सूबे के किसानों ने इस वाधे का स्वागत किया। जिक्रयोग है कि केन्द्र ने मक्की बाजरा तिल ते मूंगफली समेत कुल 23 फसलों लई एमएसपी का ऐलान किया है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जिसनों तिरुपति बालाजी मंदिर करके भी जाने जाता है जम्मू के मजीन इलाके विच उद्घाटन करके श्रद्धालुओं ने खोल दिता गया है। उद्घाटन मौके उपराज्यपाल के नाल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ते जी किशन रेड्डी मौजूद सन। भारतीय मौसम विभाग ने दस्सिया कि दक्षण पश्चिमी मानसून जिसने पहली जून नूं केरल पहुंचना सी अज उत्थे पहुंचे। विभाग ने एक बयान विच यह भी दस्सिया कि अगले 48 घंटे दौरान इस मानसून के केंद्रीय अरब सागर वाले हिस्सों च वधण दी उम्मीद है। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अज नवी दिल्ली विच 100वें मिशन ओलंपिक सेल एमओसी की मीटिंग दौरान आगामी एशियाई खेडा लई भारत दीआं तैयारियां दा जायजा लिया। जायजा मीटिंग दो दिन एमओसी मीटिंग के हिस्से वजो हुई है। आखिर विच खास खबरां एक बार फिर। आरबीआई ने स्थिति ज्यों दी त्यों बरकरार रख लिया। रेपो दर विच बिना कोई तब्दीली कीते इस नूं 6.5% ही बरकरार रखा है। इसने माली साल 2023-24 लई जीडीपी वादा दर पेशीन गोई भी 6.5% ते बरकरार रखी है। सरकार का कहना है कि मुढ़लिया खेतीबाड़ी कर्जा सोसायटियां पीएम किसान समृद्धि केन्द्रां दे घेरे हेठ लियांदा जाएगा। भारत ने ओडिशा के साहिल तो परा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की सफल बरक की थी। दक्षण पश्चिमी मानसून केरला साहिल पे पहुंच गया है। इसे नाल आकाशवाणी जलंधर तो खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है।